सक्षमता परीक्षा का विरोध करने वाले शिक्षक हो जाएं सावधान। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। बिहार में नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने के लिए शिक्षा विभाग सक्षमता परीक्षा ले रहा है। इस परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा कहा गया है कि इस परीक्षा के लिए नियोजित शिक्षकों को 3 बार मौका दिया जाएगा। यदि नियोजित शिक्षक 3 बार ही परीक्षा में सफल नहीं हो पाएंगे तो उन्हें शिक्षक सेवा के पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन इस परीक्षा और उसमें लागू किए गए कई नियमों को लेकर शिक्षक संघ लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, साथ ही शिक्षा विभाग के इस निर्णय का बहिष्कार भी कर रहे हैं। उन्होंने फैसला लिया है कि वे 13 फरवरी को इन नियमों के विरोध में विधानसभा का घेराव करेंगे। लेकिन इन शिक्षक संघों द्वारा विधानसभा के घेराव करने की खबर जब सामने आई तो सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार करने और 13 फरवरी को विधानसभा में शामिल होने वाले शिक्षकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करें। पत्र में आगे कहा गया कि 13 फरवरी को राज्य के सभी सरकारी स्कूल खुले हुए हैं। ऐसे में यदि कोई भी शिक्षक अपने स्कूल को छोड़कर यदि धरना प्रदर्शन में शामिल होते हैं तो उससे विद्यालय के शिक्षण कार्यों पे सीधे तौर पर बाधा उत्पन्न होगी। इसलिए यदि वे इस तरह के कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो उन पर IPC की धारा 141 के तहत गैर कानूनी जमावड़ा को मानते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इसमें शामिल होने वाले शिक्षकों पर धारा 186 और धारा 187 समेत अन्य सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करवाई जाएगी। सरकार और शिक्षा विभाग के इन नियमों के खिलाफ लाखों शिक्षक गोलबंद हो चुके हैं। उनका कहना है कि शिक्षा विभाग ने जो ये निर्णय लिया है कि परीक्षा में फेल होने वाले शिक्षकों को उनके पद से हटा दिया जाएगा, इस नियम को विभाग वापस ले। साथ ही ये नियोजित शिक्षक ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग भी कर रहे हैं। उनके मुताबिक जबरन उनका ट्रांसफर करना और सेवा से हटाना असंवैधानिक है। शिक्षक संघों के अनुसार अब शिक्षा विभाग और इन नियोजित शिक्षकों के बीच आर पार की लड़ाई है। उन्होंने फैसला ले लिया है कि वे 13 फरवरी को शिक्षा विभाग और सरकार के शर्तों और नियमों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। लेकिन शिक्षा विभाग ऐसे शिक्षकों पर सीधे कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। इसे लेकर बिहार शिक्षा विभाग ने अपने सोशल मीडिया एक्स के आधिकारिक हैंडल पर भी एक पोस्ट शेयर किया है, जो सक्षमता परीक्षा के विरोध में धरना प्रदर्शन में शामिल होने वाले शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई करने के संबंध में है। हालांकि अब शिक्षा विभाग और शिक्षक संघों के बीच चल रही ये आर पार की लड़ाई में ये देखने के लिए इंतजार करना होगा कि क्या सक्षमता परीक्षा के विरोध में 13 फरवरी को विधानसभा का घेराव करने वाले शिक्षक शिक्षा विभाग की बात मानते हैं या शिक्षा विभाग इन नियोजित शिक्षकों की मांग को पूरी करता है। आपको बता दें कि सक्षमता परीक्षा के लिए नियोजित शिक्षकों को 15 फरवरी 2024 तक आवेदन के लिए आमंत्रित किया गया है। यह परीक्षा 26 फरवरी से 13 मार्च तक होगी। इसका आयोजन बिहार परीक्षा समिति द्वारा आयोजित करवाई जाएगी। सक्षमता परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग ने जो नियम और शर्तें रखी हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।